तो हाय गैस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे फोटो एडिटिंग। तो गैस, मैं आपको हर रोज हमेशा इधर क्रिएटिव फोटो मैनिपुलेशन देने की कोशिश करता हूँ, और उसी तरह आज भी मैं आपके लेकर आ चुकी हूँ एक क्रिएटिव फोटो एडिटिंग फेस मास्क मैनिपुलेशन फोटो एडिटिंग। तो यहाँ पर एडिंग भी देख सकते हो कितने ज़्यादा ऑसम लग रहा है। सो गैस, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरी एडिंग सीखने लिए एंड गैस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके साइड के बेल आइकन प्रेस करना नाम लें। तो चले गैस, बनने के लिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एडिंग को बनाने के लिए सिंपल आपको इसी पोज से फोटो क्लिक करना है, कुछ इसी तरह आपको हाथ को रख करके फोटो क्लिक करना है एंड गैस अभी आपको बैकग्राउंड को इरेज करना पड़ेगा। तो सिंपल आपको कटआउट टूल पर क्लिक करना है। तो ये रहा कटआउट का ऑप्शन, तो यहाँ पर मैं कटआउट टूल पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको बैकग्राउंड को इरेज करना है। तो सिंपल आपको यहाँ पर बॉडी के जो आउटलाइन पर आपको ड्रॉ मार लेना है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से ड्रॉ मार लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको कैसे बैकग्राउंड को इरेज करना है। तो सिंपल आपको एरो पर क्लिक करना है, राइट तरफ आपको एरो का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर एरो पर क्लिक करके यहाँ पर आपको छोड़ देना है, और जो हिस्सा रह जाएगा बॉडी की जो सिलेक्शन से बाहर, तो आपको मैन्युअली आपको ड्रॉ मार करके आपको सिलेक्शन बना देना है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से कर देता हूँ सिलेक्शन। तो गाइस, यहाँ पर मैं सिलेक्शन बना चुकी हूँ। सो गाइस, अभी आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक करें, राइट तरफ आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर सेव पर क्लिक करें, यहाँ पर बैक चलना है। तो यहाँ पर हमारी मॉडल कटआउट हो चुकी है। सो गाइस, अभी हमें मॉडल को यहाँ पर सेव करना है। तो सेव करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पर एरो पर क्लिक करके यहाँ पर सेव टू ड्राफ्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपको सेव टू ड्राफ्ट करके यहाँ पर सेव कर देना है। तो यहाँ पर सेव हो चुकी है। सो गाइस, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है। तो सिंपल आपको बैकग्राउंड ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर बैकग्राउंड पर क्लिक करना है एंड गाइस आपको यहाँ पर जो आपको यहाँ पर व्हाइट कलर को सिलेक्ट करना है एंड गाइस आपको व्हाइट कलर को सिलेक्ट करने के बाद अभी आपको यहाँ पर क्रॉप कर देना है, बैकग्राउंड को क्रॉप कर देना है। तो सिंपल आपको टूल्स पर क्लिक करिए, यहाँ पर क्रॉप ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इसी शेप को ले जाना है, इसी साइज को 3:2 को ले जाना है एंड गाइस आपको यहाँ पर डन कर देना है। तो यहाँ पर हमारी बैकग्राउंड सिलेक्शन हो चुकी है। सो गाइस, अभी आपको क्या करना है, आपको ये बैकग्राउंड को ले जाना है, ये व्हाइट बैकग्राउंड को ड्रॉ टूल पर पूरी बैकग्राउंड को क्रिएट करेंगे। सो गाइस, आपको यहाँ पर ये रहा ड्रॉ टूल। तो सिंपल आपको ड्रॉ टूल सिलेक्ट करके यहाँ पर ड्रॉ टूल पर ओपन हो जाने हैं। तो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। सो गाइस, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर कलर सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपको कलर पर क्लिक करके यहाँ पर आपको क्या कौन सी कलर को ले जाना है, तो इसी लाइट ब्लू को ले जाना है। तो सिंपल आपको लाइट ब्लू कलर पर क्लिक करके यहाँ पर डन कर देना है। और गाइस, आपको क्या करना है, इस तरह से ड्रॉ मारना है। एक बार ड्रॉ मार करके यहाँ पर लेयर पर क्लिक करना है, लेफ्ट पर आपको लेयर मिलेगा, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर लेयर पर क्लिक करना है एंड गाइस आपको क्या करना है, ये पैनल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है एंड गाइस आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर ट्रांसफर कर देना है। तो सिंपल आपको ट्रांसफर करके आपको ये कलर को एक साइड की तरफ आपको रखना है। तो किस कैसे रखना है मैं आपको अभी बताना हूँ। सो गाइस, आपको इससे बड़ा करना है, बड़ा करके हल्का सा राइट इधर आपको ये कलर को रखना है। तो यहाँ पर मैं जैसा रखता हूँ आपको भी वैसा ही रखना है। तो इसी तरह आपको रख लेना है। तो यहाँ पर मैं डन कर देता हूँ। तो बहुत ही अच्छे तरह से एक बैकग्राउंड तैयार हो चुकी है। सो गाइस, अभी आपको ये बैकग्राउंड को मर्ज कर देना है। तो सिंपल आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर मर्ज कर देना है। तो मर्ज हो चुकी है। सो गाइस, अभी आपको एक इम्प्लेयर बनाना है। तो यहाँ पर आपको प्लस आइकन पर क्लिक करना है एंड गाइस आपको प्लस आइकन पर क्लिक करके एक इम्प्लेयर क्रिएट कर देना है। तो इम्प्लेयर हो चुकी है। तो ये इम्प्लेयर को हमें क्या करना है, फिल करना है मोल्ड को। तो लेयर को क्लोज कर देना है। लेयर को क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पर लेफ्ट इधर आपको लेफ्ट तो नहीं, यहाँ पर राइट तरफ आपको एक आर्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। आर्ट सब्जेक्ट पर क्लिक करना है एंड गाइस आपको फोटो को सिलेक्ट करके यहाँ पर आपके सामने गैलरी ओपन हो जाएगा, जो हमने सेव किया था ड्राफ्ट पर। तो उसी मोल्ड को यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। आपको यहाँ पर मैं डन करता हूँ। तो डन करने के बाद आपको ये मोल्ड को फिल कर देना है बैकग्राउंड के ऊपर। तो इस तरह से बैकग्राउंड को फिल करके आपको मोल्ड की एक कॉपी ले जाना है। तो कॉपी ले करके हमें एडिटिंग को स्टार्ट करना है। तो सिंपल आपको यहाँ पर फिल हो चुकी है। सो गाइस, आपको लेयर पर क्लिक करना है। लेफ्ट पर आपको लेयर का ऑप्शन मिलेगा। लेयर पर क्लिक करके मोल्ड की एक कॉपी ले जाना है। तो कॉपी कैसे लेना है, तो सिंपल आपको यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है एंड गाइस आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर आपको कॉपी कर देना है। तो यहाँ पर दो कॉपी हो चुकी है। तो नीचे की कॉपी को हाइड कर देना है। तो सिंपल आपको आई पर क्लिक करके यहाँ पर हाइड कर देना है। तो हाइड हो चुकी है। तो ऊपर की कॉपी को आपको इरेज करना है। तो कैसे इरेज करना है, तो सिंपल आपको इरेज बटन पर क्लिक करना है। इरेज जो ब्रश के नीचे आपको इरेज बटन मिलेगा, इरेज बटन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सेव ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। तो सेव पर आपको सर्कल शेप को ले जाना है। तो यहाँ पर मैं सर्कल शेप को ले जाता हूँ। पहले आपको सर्कल शेप को ले जाना है, उसके बाद आपको फिल कर देना है। तो हल्का सा यहाँ पर स्वाइप करके आपके सामने फिल के ऑप्शन में आ जाएगा। तो ये फिल को करके आपको यहाँ पर डन कर देना है, ओके कर देना है। उसके बाद अभी आपको क्या करना है, इस तरह से आपको हेड को इरेज करना है, क्योंकि हमें एक मास्क बनाना है। तो मास्क को हमें अभी क्रिएट करना है। तो कैसे क्रिएट करना है, इसी तरह आपको इरेज करके क्रिएट करना है। तो हल्का सा मैं रोटेट करता हूँ और गैस आपको इसी तरह आपको इरेज कर देना है। तो एक बार इरेज हो चुकी है। तो गैस अभी आपको और एक सेव ले जाना है। तो सिंपल आपको फिर से आपको सेव पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ये सेव को सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर ये सेव को सिलेक्ट करके आपको ओके कर देना है। उसके बाद आपको इसी साइड आपको सेव यहाँ पर इरेज करना है। तो इसी साइड आपको इसी तरह इरेज करना है और गैस आपको इसी तरह अभी इरेज करके अभी आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ये मोल्ड की
आपको हाथ को और मास्क फेस को ही रखना है और सभी को इरेज करें। तो यहाँ पर मैं जल्दी से इरेज करता हूँ, यहाँ पर सभी पार्ट को, एक्स्ट्रा पार्ट को मैं इरेज करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कैसे और क्या करना है। तो गाइस आपको इसी तरह आपको इरेज करना है। सो गाइस अभी आपको क्या करना है, जो हमने हाइड किया था लेयर को, ये नीचे की लेयर को आपको अनहाइड कर देना है। तो यहाँ पर अनहाइड हो चुकी है। सो गाइस अनहाइड होने के बाद आपको क्या करना है, इस लेयर पर क्लिक करके यहाँ पर ट्रांसफर कर देना है। थ्री डॉट पर क्लिक करना है, सिंपल आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर ट्रांसफर कर देना है। ट्रांसफर करने के बाद अभी आपको क्या करना है, ये जो मास्क को यहाँ पर जो फेस को हल्का सा आगे की तरह ले जाना है और कैसा हल्का सा बड़ा कर देना है। बड़ा करके आपको हल्का सा रोटेट करके इस तरह से फिट कर देना है। तो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी भी हमारी जो 3D लुक नहीं आ रहा है मास्क के ऊपर। तो 3D लुक हमें देना है, तो कैसे देना है मैं आपको आगे बताऊंगा। सो गाइस आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। तो यहाँ पर आपको इसी टाइप से आपको फिट कर लेना है और गाइस आपको एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा पार्ट को कैसे इरेज करना है, तो यहाँ पर आपको डन कर देना है। पहले आपको डन करके आपको नीचे की मॉडल को सिलेक्ट करके आपको इरेज पर क्लिक करना है। इरेज पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर साइज को थोड़ा बढ़ा देना है। बढ़ा करके आपको सेट पर क्लिक करना है एंड गाइस लेयर को क्लोज करके आपको जो पीछे की जो उंगली को इस तरह से इरेज कर लेना है। तो यहाँ पर इरेज हो चुकी है, तो ये हैंड को भी इरेज करता हूँ। तो कितने ज़्यादा ऑसम लग रहा है। सो गाइस अभी हमें 3D लुक देना है मास्क के ऊपर। तो कैसे देना है, तो 3D लुक देने के लिए आपको सिंपल आपको लेयर पर क्लिक करना है एंड गाइस आपको लेयर पर क्लिक करके यहाँ पर एक इम्प्लेयर क्रिएट करना है। तो सिंपल आपको प्लस आइकन पर क्लिक करके एक इम्प्लेयर क्रिएट करना है। उसके बाद ये इम्प्लेयर को नीचे लाना है, ये मास्क पेंज के नीचे लाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लेयर को क्लोज करके यहाँ पर आपको क्या करना है, कलर ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको इसी पेंसिल ऑप्शन को क्लिक करना है। तो ये पेंसिल को सिलेक्ट करना है एंड गाइस आपको पेंसिल को सिलेक्ट करके आपको जो फेस के एक कलर को ले जाना है। तो यहाँ पर मैं ले जाता हूँ फेस के एक कलर को। उसके बाद फेस की कलर को ले जा करके आपको फिर से आपको कलर ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड गाइस आपको यहाँ पर एडजस्ट पर क्लिक करना है। तो सिंपल आपको एडजस्ट पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सैचुरेशन को हल्का सा डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज इस तरह से करना है। डिक्रीज करने के बाद आपको यहाँ पर डन करना है। डन करके आपको यहाँ पर बैक जाना है। बैक जाना तो क्या करना है, यहाँ पर सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेयर को क्लोज कर देना है पहले आपको, उसके बाद आपको यहाँ पर सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर से आपको सेव पर आपको सर्कल शेप को सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैं सर्कल शेप को सिलेक्ट कर देता हूँ और कैसे आपको फिल को स्टॉक कर देना है। तो यहाँ पर स्टॉक कर देना है, तो स्टॉक हो चुकी है। सो गाइस आपको साइज को फुल ही रखना है एंड कैसे आपको ओके पर क्लिक करके इस तरह से आपको यहाँ पर पहले आपको लेयर को नीचे लाना है। यहाँ पर जो मास्क के नीचे लाना है, नीचे ही रखना है। यहाँ पर नीचे रखने में आपको क्या है, इस तरह से एक सर्कल बनाना है। तो सर्कल को आपको इसी मास्क के नीचे रखना है। तो मैं जिसी तरह रखता हूँ आपको भी इसी तरह ही रखना है। तो इसी तरह आपको एडजस्ट करना है। तो वैसे यहाँ पर देख सकते हो कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है, एक 3D लुक आ रहा है। तो इसी तरह ही आपको एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने के बाद अभी आपको इरेज करना पड़ेगा। तो सिंपल आपको यहाँ पर इरेज पर क्लिक करके यहाँ पर इरेज करना है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से इरेज करता हूँ। तो यहाँ पर आपको इरेज करने के बाद अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ब्रश आइकन पर क्लिक करना है। ब्रश आइकन पर क्लिक करके पहले आपको यहाँ पर कलर ब्लैक पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर क्या क्या करना है, हमें शैडो क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आपको ब्लैक कर देना है। तो ब्लैक करने के बाद आपको यहाँ पर डन करके आपको ब्रश की जो साइज को थोड़ा कम करना है। तो यहाँ पर हार्डनेस को 0 ही रखना है। उसके बाद साइज को कम करके हल्का से यहाँ पर 70 के आसपास करना है। एंड साइड पर क्लिक करके यहाँ पर आपको इसी साइड आपको लेफ्ट की तरफ आपको शैडो क्रिएट करना है। तो मैं जिसी तरह क्रिएट करता हूँ आपको भी उसी तरह ही क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आपको शैडो क्रिएट करने के बाद अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर मास्क के साथ मर्ज कर देना है। तो देख सकते हो गाइस कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है। अभी कैसे हमें क्या करना है, एक धागे का PNG को फिट करना है। तो कैसे PNG भी क्रिएट करना है हमें, तो कैसे क्रिएट करना है आपको सिंपल आपको यहाँ पर जो सेप का ऑप्शन पर क्लिक करना है, सेप ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर ये एरो सेप को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद ओके पर क्लिक करके यहाँ पर हल्का सा जूम करें, आई की साइड पर आपको एक ड्रॉ कर लेना है एक बार आपको लेयर पर क्लिक करना है एंड गाइस आपको एक इम्प्लेयर क्रिएट करना है। तो सिंपल आपको इम्प्लेयर क्रिएट करके आपको यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। तो इम्प्लेयर क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर आपको इस तरह से आई के जो साइड पर आपको ड्रॉ करना है ये शेप को लेके जा करके। तो यहाँ पर मैं शेप को भी सिलेक्ट करता हूँ, ये एरो शेप को ले जाना है एंड गाइस आपको आई के साइड पर आपको इस तरह से ड्रॉ मारना है। तो ड्रॉ मारने के बाद अभी आपको क्या करना है, सॉरी बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर देना है। पहले आपको हल्का सा ही ड्रॉ मारना है, उसके बाद आपको इस तरह से जूम आउट करना है। जूम आउट करने के बाद अभी आपको क्या है, फिर से आपको शेप पर क्लिक करके यहाँ पर आपको क्या करना है, एक सर्कल शेप को ले देना है। सर्कल शेप को आपको स्टॉक कर देना है। तो स्टॉक करने के बाद आपको यहाँ पर ओके करके इस तरह से आपको ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद हल्का सा रोटेट करके हाथ में से पकड़ लेना है। तो इस तरह से आपको आज से कर लेना है।
सो गाइस इस तरह से एडजस्ट करके आपको फिर से आपको इरेज पर क्लिक करें, यहाँ पर इरेज करना है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारी एडिटिंग बनकर तैयार हो चुकी है। तो गाइस यहाँ पर देखिए तो हमारी जो एडिटिंग कितना ज़्यादा ऑसम ले रहा है। सो गाइस आपको भी इस टाइप से एडिटिंग बनाना है एंड गाइस मुझे इंस्टाग्राम में टैग कर लेना है, मैं आपकी पोस्ट को जरूर मेंशन करूँगा मेरी स्टोरी पर। तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा ही न्यू फोटो एडिटिंग को मिस नहीं करें। सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलेगा, मिलता है अगले किस वीडियो में।